हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मैंने जो खेत में बीजों से बीज डाले थे मैंने, उससे जो मैंने कई चीज़ें बोई थी उसमें से जो चीज़ मुझे सफल लगी, जो सफल है वो है ये तरुई। तरुई काफ़ी अच्छी ग्रोथ ग्रो करी है। हम मेरे हमारे इस छोटे से मैंने पॉट, ये जो लंबा सा प्लास्टिक का हॉरिजॉन्टल पॉट था उसमें मिट्टी डाल के बाकी भी पौधे लगे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उगेगी, लेकिन ये उग गई। इसको ये तरोई का पौधा है, इसमें देखिए तरोई लगी है। हालांकि मैंने बहुत अच्छी केयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे की जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी चींटियां भी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरोई तब भी होगी है। ये देख सकते हैं आप, ये तरोई हमारे खेत में होगी है। और एक और है ये, इसको हम लोग लूफा भी बोलते हैं, और ये साल भर में 2 बार मतलब पानी के मौसम के ही आसपास और गर्मी भी हो उसमें बोई जाती है। लूफा कई जगह मणिपुर में उधर सिबॉट बोलते हैं, तुरिया बोलते हैं, नेनुआ ने वो। ये देखिए एकदम स्मूथ है, एक बहुत ही धारीदार होती है। उसको शायद हम मैं नेनुआ बोलता हूँ, लेकिन कई लोग उसको तरुई बोलते हैं और इसको नेनुआ बोलते हैं। तो खैर जो भी हो, लेकिन इसकी 2 वैरायटी बहुत मशहूर है। एक और जंगली वैरायटी भी होती है, मैं आपको अपनी दूसरी जगह की तरुई भी दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके फूल कितने अच्छे हैं, एकदम येलो रंग के होते हैं। और मेल फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं इसके, शायद मुझे लगता है अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ फूल हैं बहुत ही जल्दी जल्दी झड़ जाते हैं, उसके नीचे कुछ अलग से मतलब तरोई निकलती नहीं है ऐसा लगता, लेकिन कुछ फूल होते हैं जिसके पीछे तरोई लगती है, तो मेरे ख्याल से वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। लेकिन एक बात है, इसमें अलग अलग होते हैं। देखिए इस वाले पौधे में भी जो दूसरे इस तरह का प्लॉट वो पॉट है उसमें लगी है। तो अब हम आपको तरोई क्या होती है, कैसी होती है, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या सीन है, और मतलब बायोलॉजिकली या बॉटनिकली ये इसमें क्या क्या खासियत होती है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आपकी इस ट्यूटोरियल में, एक्चुअली इसमें क्लास नहीं कहूँगा क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, ये मैंने इंटरनेट से खोजा है, तो इसमें मैं आज आपको तरोई के बारे में बताऊंगा। तरोई जिसका नाम लूफा भी है, इसको कई क्षेत्रों में लूफा या इंग्लिश में भी अब लूफा ही बोलते हैं, लेकिन तरोई भी एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश वर्ड भी है, क्योंकि इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और अभी नहीं बहुत पहले से किया गया है, तो उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। तो लूफा एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक बेल वाला कोकुम्बर फैमिली यानी कि खीरे की फैमिली का एक सब्जी है कि फल है, आप जो भी समझ सकते हैं। और तरोई जो नाम है वो दिया है फ्रॉस्क पीटर फ्रॉस्कल ने, एक्चुअली इंग्लिश में इन्होंने मतलब ये नाम इंट्रोड्यूस कराया है। ये नाम इंडिया में या इधर के आसपास के क्षेत्रों में तो बहुत पहले से ही मशहूर था, लेकिन उन्होंने जब ये वो यहाँ आए, इजिप्ट में आए शायद या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, तब उन्होंने जाना कि यहाँ पे इसको तरोई बोलते हैं, तो ये नाम उन्होंने इस तरह से यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। पीटर फ्रॉस्कल जो थे वो 11 जनवरी 1732 से 11 अच्छा देखिए 11 जनवरी 1732 से 11 जुलाई 1763 तक जीवित रहे। फिर जो लूफा की यानी तरोई की जो 3 मेन स्पीशीज हैं, एक है लूफा एजेप्टियाका, ये तरोई या तरोई कहलाती है जो कि नॉर्मल हम लोग तरोई बोलते हैं। एक होती ननुआ जिसमें धारियां होती हैं, तो धारी वाली थोड़ा रिज्ड बोलते हैं उसको, तो लूफा एक्यूटेंगुला हम बोलते हैं। और एक तीसरी होती है जंगली तरोई होती है, मतलब जंगलों में ज्यादातर पाई जाती है, खाने में ज्यादा यूज नहीं होती है, लूफा ओपरक्यूलाटा, वो जंगली तरोई होती है। जब ये इस अब देखो यहाँ पे इसे फ्रूट कहा गया है, क्योंकि ये पेड़ के लिहाज से देखें तो उसका जो भी आउटपुट रहता है तो उसको फली पेड़ के लिहाज से वो फ्रूटी होता है उसका। तो जब ये फ्रूट पूरी तरीके से पक जाता है तब इसमें बहुत ही रेशेदार अंदर से हो जाता है, बहुत ही रेशे होते हैं, बहुत ही फाइबरस हो जाता है, और ये खाने के लिए तब लायक नहीं रहता क्योंकि वो रेशे काटे नहीं जा सकते हैं, तो उसको स्पॉन्ज की तरह, स्क्रबिंग स्पॉन्ज की तरह यूज किया जाता है बाथरूम्स में और किचन में। बाथरूम्स में मतलब शरीर को वो रब करने के लिए स्क्रबर की तरह यूज किया जाता है। और इसको 150 से 200 गर्म दिनों यानी गर्मी के या सूरज वाले दिनों की जरूरत पड़ती है पकने के लिए,
जाइलम पोर्शन जो होता है, जो हमने बोला ना इसके बहुत रेशे हो जाते हैं, तो वो रेशे होते हैं एक्चुअली जाइलम के। पौधे में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि जाइलम मिट्टी से जब जड़ें वाटर इनटेक करती हैं या न्यूट्रिएंट इनटेक करती हैं, तो ये जाइलम जो पोर्शन होता है वो उसके पत्तियों से, पत्तियों तक या ऊपर की टहनियों तक उन वाटर को, उन सबको पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है, जो पत्तियां फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती हैं, उनको पौधों के बाकी हिस्सों तक एनर्जी देने के लिए पहुंचाती है। तो पैरागुआ में पैनल्स बने होते हैं। पैनल्स आर मेड आउट ऑफ लूफा कंबाइंड विद अदर वेजिटेबल मैटर एंड रिसाइकल्ड प्लास्टिक। पैरागुआ में जो पैनल्स बनाए जाते हैं, वो लूफा को दूसरे वेजिटेबल मैटर और रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ यूज करके बनाए जाते हैं, मतलब इनको रिसाइकल किया जाता है। और दीज कैन बी यूज टू क्रिएट फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्ट हाउसेस। जो पैनल्स है, पैनल्स का यूज पैरागुए में केस में किया जाता है, फर्नीचर और घर बनाने में किया जाता है। अब अगला पेज देखते हैं। लूफा जो है, तरोई जो है, वो मैं तब खाई जाती है जब वो बहुत ही मतलब छोटी होती है। उसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर से 4.5 इंचेस की होती है, मतलब 12 सेंटीमीटर से छोटी हो, 4.5 इंचेस के लगभग छोटी हो या बराबर हो, तो उस टाइम उसका स्वाद होता है, वो अच्छे से पकाई जाती है। क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम उसको पेड़ पे लगे रहने देंगे तो वो खाने लायक नहीं रहेगी, अपने फाइबर वो रेशों की वजह से, फाइबर्स की वजह से। और हरी होनी चाहिए जब आप उसका सेवन कर रहे हो। अब हम डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड में, वहाँ या विद इन आवर इंडिया ही इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अब हम बताएंगे आपको कि उसके अलग अलग नाम कौन से हैं। जो वियतनाम है उसको, वियतनाम में इसको माओ म्योप होंग बोलते हैं, म्यांमार में पुएट डी बोलते हैं, खेमर में खिमेर में प्लाइन और नॉन्ग बोलते हैं, यानी कि दुनिया के इतने हिस्सों में तो पाई जाती है कुकुम्बर फैमिली का ये फल। और नेपाल में इसको गिरौला, नेपाल या तराई क्षेत्रों में, या जो उधर के पहाड़ी क्षेत्र हैं काठमांडू के साइड में, तो उधर नेपाल में इसको गिरौला बोलते हैं। और फिर भारत में ही इसको अलग अलग जगह किन नामों से जाना जाता है, आइए उसकी जानकारी ले लेते हैं। लूफा को गिलकी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, तुरया या तुरिया बोलते हैं गुजरात में, घिसौरी या घिसौरा बोलते हैं कच्छ लैंग्वेज, कच्छ भी गुजरात में ही आता है, कच्छ करन आपने सुना होगा, सौराष्ट्र या उधर के क्षेत्रों में इसको घिसौरी बोलते हैं, बंगाल में झींगे बोलते हैं, असम में भूल बोलते हैं, और तमिलनाडु में इसे पीर कंगाई बोलते हैं। यहाँ तरोई के छिलके की चटनी बनाई जाती है, मेन बात ये है, मतलब हर जगह इसके अलग अलग हिस्सों का यूज किया जाता है। तुप्पा डाहिरिकाई, तुप्पा डहरिकाई बोलते हैं इसको कर्नाटक के मलेनाडु में, मतलब वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का मतलब कि जो कर्नाटक का पूर्वी हिस्से में, जो भारत के पश्चिमी हिस्से में जो पहाड़ी की रेंजेस, माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं दक्कन के पठार के साइड में, उन्हें वेस्टर्न घाट बोलते हैं या पश्चिमी घाट बोलते हैं, उधर बोलते हैं ये नाम। और तुप्पा डहरिकाई का मतलब होता है बटर स्क्वाश। कभी कभी आप इसकी सब्जी खाएंगे तरोई की, तो आपको थोड़ी एकदम मक्खन जैसी लगती है उसका रस, आया जो भी है, तो हो सकता है इस वजह से। फिर नीति बिराकिया बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, जीका बोलते हैं, देखिए असम में हमने आपको पहले भी नाम बताया था, भूल बोलते हैं। तो भूला जो नाम है वो लूफा एजिप्टियाका का है, जो कि स्मूथ गॉर्ड होती है, स्मूथ वो चिकनी तरोई होती है, और जिसमें धारियां बनी होती हैं उसको जीका बोलते हैं, वो होती है लूफा एक्यूटेंगुला होती है। केरल में इसे पिचिंगा बोलते हैं, और पलक्कड़, पलक्कड़ कोई जगह होगी वहां पे इसको पोथंगा बोलते हैं। यहाँ अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर इसको नहाने के लिए इसके जो फाइबर्स होते हैं, जो इसका स्पॉन्ज निकलता है, वो पक जाती है तरोई पेड़ पे लगी लगी, उसको तोड़ा तो जाता नहीं है, सूख जाती है, ऊपर का कवर हटाया जाता है और अंदर बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज झींगा वो निकलता है झाबा जैसा, उसको नहाने में यूज किया जाता है, तो उसको पोथंगा बोलते हैं। फिर महाराष्ट्र में इसे डोटका बोलते हैं, रिज्ड गॉर्ड, रिज्ड गॉर्ड जो नेनुआ वाली हमने बताई थी ना लूफा एक्यूटेंगुला को, और डोटका बोलते हैं रिज्ड गॉर्ड लूफा को,
और घोष वाला बोलते हैं स्मूथ लीफा को, यानी कि लूफा एजिप्टियाका को। फिर मणिपुर में सिबॉट बोलते हैं, और यहाँ पर इसको भाप में पकाया जाता है और उसमें मसला जाता है। ये वहाँ की एथनिक क्विजीन है, मतलब वहाँ की जानी पहचानी क्विजीन है, खाने का तरीका है या खाने की एक डिश है, जिसको मतलब उसमें इस सिबॉट का यानी कि तरोई का यूज होता है। और इस क्विजीन का नाम है इरोनबा, इरोम्बा या इरोम्बा, मतलब उनकी भाषा में जिस तरीके से बोला जाता है, इंग्लिश में उसको इस तरह से लिखने की कोशिश की गई है। फिर मणिपुर में इसको कांगू बोलते हैं, क्वांगो है। इसको फ्राइड सिबॉट, मतलब उसको फ्राई करके तरोई को खाया जाता है। मतलब एक नाम तो सिबॉट था ही, दूसरा खाने वाली एक जो तरीका है डिश रही होगी उसको क्वांगू बोलते हैं। थैंक यू। वापस वर्ल्ड की कंट्रीज में देखते हैं तो चाइना या ताइवान में इसे सिगुआ बोलते हैं, सिगुआ, क्योंकि ये पिनियन भाषा चाइना में यूज एक होती है, पिनियन एक भाषा, उसमें से सिगुआ बोलते हैं। ताइवान में भी वही यूज होती है। ओयोंग में बोली जाती है, इंडोनेशिया में, और फिलीपींस, फिलीपींस में से पटोला बोलते हैं। कनाडा और यूएस में यानी नॉर्थ अमेरिका में इसे मेनली चाइनीज ओकरा बोलते हैं। ओकरा प्रायः मोटी वाली भिंडी होती है एक्चुअली, जो उसको हम लोग के यहाँ ओकरा भिंडी को बोलते हैं, जो मोटी वाली भिंडी होती है, विदेशी भिंडी भी, हाइब्रिड भिंडी, ठीक है। और स्पेन में इसको एस्ट्रोपाजो बोलते हैं, एस्ट्रोपाजो है या एस्ट्रोपायो, पाजो है एक्चुअली। फिर अब एक और बात हम जो आपको इसके बारे में बताने वाले हैं वो ये है कि बहुत से कीट पतंगे होते हैं, लार्वा होते हैं, यानी ऑर्थोपॉड जो महासंघ है, ऑर्थोपॉड होते हैं, उनके लिए जो होता है कि इसके फूल और इसकी पत्तियां जो होती हैं भोजन की तरह होती हैं, उनके लिए फूड होती हैं, ये उस पर पैरासाइट की तरह रहते हैं। तो जो ऑर्थोपोडा ग्रुप है उसमें चार मेन ऑर्डर्स बांटे गए हैं, मतलब ग्रुप जो होता है उसको संघों को और भी छोटे भागों में बांटा जाता है। तो एक लेपिडोप्टेरा है, माइमेनोप्टेरा है, डिप्टेरा है और कॉलियोप्टेरा है। ये स्पीशियस ऑर्डर्स हैं ऑफ इंसेक्ट्स, कंपैरेटिवली ह्यूज होते हैं, ऑर्डर्स उनको कहते हैं, जो बहुत ही ह्यूज डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंग्विशमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो लेपिडोप्टेरा है उस ये तो ये जो फूड प्लांट्स फॉर द लार्वी ऑफ सम लेपिडोप्टेरा, ये जो हमारी तरोई है ये फूड प्लांट्स है लेपिडोप्टेरा के लिए भी, जिसमें मॉथ्स आती हैं, मॉथ मतलब कीट पतंगे जिनमें पर होते हैं, और बटरफ्लाई आती हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई और मॉथ्स को कॉमनली एक ऑर्डर में रखा गया लेपिडोप्टेरा में। तो इसमें तो एक स्पेशल मॉथ जिसका नाम हम बताने जा रहे हैं, एक मैक्रो मॉथ है, मतलब बड़ा साइज का कीट पतंगा है, उसे हाइपर कॉम्पे एल्बिकॉर्निस बोलते हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स है, इसमें लेपीस का मतलब है स्केल, मतलब उसके पर होंगे, शल्क होंगे, बने हुए काइटिन के एक्चुअली बने होते हैं ज्यादातर। और पिट्रॉन का मतलब होता है विंग, विंग का मतलब होता है पर, स्केल शल्कों को बोलते हैं शायद, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। आगे ये है कि जो ये लेपिडोप्टेरा है स्केल्स ऑन बॉडीज, मतलब शल्क या कवरिंग होती होगी स्केल्स की परतदार, और बॉडीज और विंग्स और प्रोबोसिस, प्रोबोसिस मतलब इनकी सुंडिका होती है, जो तितली होती है, या ये लोग जो परागकण चूसते हैं, फूलों पे बैठते हैं, तो ये लोग उसका ये जो बहुत पतली सी चोंच से जो सुन वो उसका रस चूसने का काम करते हैं, तो वो प्रोबोसिस होती है, सुंडिका। दीज स्केल्स जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं और पतले होते हैं, फ्लैटेंड हेयर होते हैं, जो स्केल्स की हम बात बता रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बटरफ्लाई और मॉथ्स में ये तरह तरह के पैटर्न्स बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग चौड़ाई के होते हैं और अलग अलग रंग में बदलते हैं, जो कि इन कीड़ों को थोड़ी सुंदरता भी प्रदान करते हैं। वापस हम तुरई के विषय में आते हैं। अब हम लूफा एक्यूटेंगुला के बारे में बताएंगे, जिसे नो कॉमनली हमारे एरिया में निनुआ के नाम से जाना जाता है। तो जो इसके मैच्योर फ्रूट्स होते हैं उनको मतलब जो ज्यादा पक जाते हैं, जिनको खाने के समय जब वो 12 सेंटीमीटर से छोटे पेड़ पे लगे हुए होते हैं तब तो तोड़ा नहीं जाता, तो वो लगे रह जाते हैं। तो पहली बात तो उसे बीज मिल जाता है,
तरोई का बीज मिल जाता है, और दूसरा उससे ये मिलता है कि वो उसमें झाबा निकलता है, स्पॉन्ज निकलता है, जो जिसको बॉडी में रगड़ के नहाने के टाइम पे काम आता है। तो मैच्योर फ्रूट्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग स्पॉन्जेस, और इट्स फ्रूट स्लाइटली रिजेंबल विद अ कोकम्बर, एक खीरे या खीरे की फैमिली की एक चीज होती है जिसे जुकीनी बोलते हैं। जुकीनी यहाँ पे इस इलाके में लंबा कद्दू के नाम से मिलता है, लंबा कद्दू है, विद रिजेस से ये थोड़ा मिलता जुलता ननुआ जो होता है वो फल होता है, ठीक है। सिंकवा टॉवेल स्पॉन्ज इसका दूसरा नाम है, लूफा एक्यूटेंगुला का, और स्ट्रेनर वाइन भी एक इसका दूसरा नाम है। और इसको जो है स्पॉन्ज, इसके फाइबर को स्पॉन्ज की तरह यूज किया जाता है, और इससे हैट्स बनाई जाती हैं, मतलब कि जो बड़ी बड़ी टोपियां हैट्स होती हैं वो सब भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो मेन तरोई होती है, वो भी तरोई थी लेकिन जो नॉर्मली बाजारों में बिकती है, इधर यूपी साइड में जो बिकती है उसके विषय में बात करते हैं। तो वो होती है हमारी क्या कहते हैं चिकनी तरोई, तो उसको बोलते हैं स्मूथ गॉल्ड भी बोलते हैं, लेकिन उसके तीन अलग अलग नाम है, लूफा एजिप्टिया का, एजिप्टिया का नाम क्यों पड़ा अभी हम बताएंगे, और फिर लूफा सिलेंड्रिका या डिश क्लॉथ गॉर्ड भी बोलते हैं इसको। जो लूफा एजिप्टिया का है इसको स्पॉन्ज गॉर्ड या इजिप्शियन कुकुम्बर भी बोलते हैं, और वियतनामीज लूफा भी बोलते हैं, और ये एक स्पीशीज होती है लूफा की जो इसके जिसके फल के लिए इसे उगाया जाता है मेनली, ठीक है। अब इसका नामकरण के विषय में हम लोग जानते हैं, एटिमोलॉजी, जो बॉटनिकल स्पेसिफिक एपिथेट है जो हम लोग यूज बता रहे हैं लूफा के बाद एजिप्टिया का, वो इसको दिया गया था 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी यानी 1501 से 1599 के बीच में, जब यूरोपियन बॉटनिस्ट ने इस प्लांट को पहली बार देखा था, जब इसका कल्टीवेशन हुआ था इजिप्ट में यानी कि मिस्र में। यूरोपियन जो बॉटनिकल लिटरेचर है प्लांट को पहली बार यूरोपियन बॉटनिकल लिटरेचर में इस प्लांट को पहली बार इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है जोहान वेस्लिंगियस को 1638 में, जिन्होंने इसका नाम दिया था इजिप्शियन कुकम्बर यानी इजिप्शियन खीरा है, और वेस्लिंगियस ने ही लूफा शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। जो लूफा इजिप्सिया का है इसको जालीदार सपोर्टेड, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ये वाइन होती है, बेल होती है, तो बेल को चढ़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, तो ट्रेलिस सपोर्ट यानी जालीदार सपोर्टिंग संरचना वाले सपोर्ट की मदद से इसको सबसे अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है, और इसको बहुत सारी गर्मी और बहुत सारे पानी की जरूरत होती है अपने को फलने फूलने देने के लिए, ठीक है। तो जैसे इसके यंग फ्रूट होते हैं वो तो खाने लायक होते हैं, मतलब कि जो छोटे फल होते हैं, लेकिन जो एकदम पक जाता है, मतलब जब वो थोड़ा सूखने की कगार पे पक जाता है, तो वो वाले फल इसके खाने लायक बिल्कुल नहीं होते हैं, इन एडिबल होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत रेशा होता है, बहुत फाइब्रस हो जाता है वो, और इस वजह से उसका यूज स्क्रबिंग बाथ बनाने के लिए, जिसे डिश रैग गॉल्ड, स्पॉन्ज गॉल्ड या वेजिटेबल स्पॉन्ज के नाम से, गॉल्ड तो मतलब वो हो गए लौकी, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से है, या वेजिटेबल स्पॉन्ज भी इसे बोलते हैं। ये चिकनी लूफा जो होती है ये रिज्ड लूफा जिसमें धारियां होती हैं यानी लूफा एक्यूटेंगुला से अलग है, और इसके जो बीजों का एन एडिबल ऑयल जो मतलब खाने योग्य खाद्य तेल इसके बीजों से निकाला जाता है, और जो रिजल्टिंग ऑयल है मील इज फेड टू ये इज यूज टू फेड रैबिट्स एंड कैटफिश एंड यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो जो ऑयल है उसका यूज तो किया जाता है खरगोशों और कैटफिश को देने में, और उसको जो वो जैसे ऑयल निकालने के बाद जो सूखा बीज का हिस्सा बचता होगा उसको फर्टिलाइजर की तरह पे यूज किया जाता है, जैसे सरसों का वो तेल निकालने के बाद जो उसके बीज का सूखा हिस्सा बचता है उसको खाद के तौर पे सब लोग जानते हैं यूज किया जाता है, उसी तरह इसके तेल का भी तेल निकालने के बाद बीजों का जो छीलन होती है उसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो फाइब्रस स्केलेटन होता है मतलब जो उसका
कंकाल तंत्र फाइबरस होता है। फ्रूट इज यूज एज अ हाउस होल्ड स्क्रबर, मतलब बर्तनों को साफ करने के लिए या खुद की बॉडी पर रगड़ने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि जो हमारे वो कोशिकाएं हैं जो कि वो यूजलेस हो गई हैं, डेड सेल्स जिसे बोलते हैं, तो उसको भी शरीर की स्किन से हटाने के लिए यूज किया जाता है। ओम नमः शिवाय। द फाइबर इज जाइलम होता है, इट हैज सेमी कोर्स टेक्सचर एंड गुड ड्यूरेबिलिटी, मतलब खींचने पर ये ऐसा नहीं कि टूट जाए, बहुत ड्यूरेबल होता है, अच्छा खासा ड्यूरेबल होता है, यानी कि ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, मतलब इतनी जल्दी टूटता नहीं है, और सेमी कोर्स टेक्सचर होता है, मतलब इसके जो थोड़ा सा खुरदरापन रहता है क्योंकि इसके रेशे में थोड़ी मोटाई होती है जो इसको ड्यूरेबिलिटी देती है, इस वजह से वो थोड़ी कोर्सनेस होती है, फाइननेस नहीं होती है। तो ये इसका क्या कहें, इसके गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। अब डिश क्लॉथ गॉल्ड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसके विषय में यहाँ जानकारी दी गई है। अगर ये डिश क्लॉथ गॉल्ड यानी कि ये लूफा इजिप्टिया का यानी कि तरोई को अगर वो पकाया जाता है तो, लेकिन इसमें नमक ना डाला जाए, तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू पर 100 ग्राम में यानी 3.5 औंस में कितनी होती है। इसमें एनर्जी 56 किलो जूल यानी कि 13 किलो कैलोरी होती है पर 100 ग्राम में, अगर इसको मात्रा अगर इसकी कुक की जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 100 ग्राम में 14.34 ग्राम, इसमें शुगर होती है 5.17 ग्राम, और डाइट्री फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं 2.9 ग्राम। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बताइए। फैट होता है 0.34 ग्राम और प्रोटीन होता है 0.66 ग्राम, यानी कि इसमें आपको फैट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर उससे कम प्रोटीन यानी 0.66 ग्राम, और उससे कम फैट, यानी कि ये एक अच्छा स्रोत है, यानी शुगर के पेशेंट भी इसे मतलब जिनको फैट नहीं खाना है उसके उनके लिए अच्छा स्रोत है एनर्जी का, क्योंकि इसके 100 ग्राम में आपको 56 किलो जूल वो किलो जूल एनर्जी मिलती है। आगे हम बात करेंगे प्रोटीन फैट और उसकी बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की, अब हम विटामिन की बात करेंगे। यहाँ पे हमने परसेंटेज डीवी है, परसेंटेज डीवी के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ये डेली वैल्यू होती है फॉर द न्यूट्रिशन इनटेक, यानी कि अगर आपको एक दिन में विटामिन B1 यानी थायमिन चाहिए, जितना भी चाहिए उसका, अगर आप 100 ग्राम ये तरोई खाते हैं तो 100 ग्राम से पूरे दिन भर की जरूरत का आपको 4% मिल जाता है। उसी तरह अगर आपको B2 यानी कि विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन जितना भी चाहिए पूरे दिन भर में, उसका 4% आपको इसकी 100 ग्राम की खुराक से मिल जाता है पूरे दिन भर का। ठीक है, फिर हम बताते हैं विटामिन ए जो होता है, इसमें 260 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। ये यूनिट वहाँ FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी संस्था होती है उन्होंने ये डिसाइड किया है, तो ये उनका मात्रक है एक। ठीक है, इस विषय में हम आपको अगला अभी कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे। विटामिन ए इसमें 260 IU होता है। विटामिन B1 यानी कि थायामिन इसमें 0.046 मिलीग्राम होता है, यानी कि 4% डीवी है इसका, 4% डीवी है। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 0.042 मिलीग्राम होता है। नियासिन यानी विटामिन B3 0.226 मिलीग्राम होता है। इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि विटामिन ए विटामिन बी में भी तीन प्रकार हैं, B1 B2 B3, तो थायामिन राइबोफ्लेविन और नियासिन, यानी आप इसे ऐसे TRN याद कर सकते हैं, T से थायामिन, R से राइबोफ्लेविन और N से B3। विटामिन सी इसमें 5.7 मिलीग्राम होता है जो कि 7% है, और विटामिन ई इसमें 0.24 मिलीग्राम होता है, और विटामिन के इसमें 1.7 माइक्रोग्राम होता है, मतलब विटामिन के इसमें कम मात्रा में पाया जाता हो सकता है, और फिर भी ये पूरे दिन भर का 2% है, यानी विटामिन के की हमारे शरीर को एक पूरे दिन भर में कम ही मात्रा की जरूरत होती है बाकी विटामिन की तुलना में, क्योंकि बाकी विटामिन हमको जहाँ मिलीग्राम में जरूरत होती है जिनकी, यहाँ इसकी माइक्रोग्राम की ही जरूरत होती है। फिर हम आते हैं विटामिन B6 में, ये 0.099 मिलीग्राम होता है, और विटामिन B9 यानी फोलेट, फोलेट जो है
इसमें B3 विटामिन B3 12 माइक्रोग्राम होता है। अब हम मिनरल्स की बात करते हैं। कैल्शियम इसमें 9 मिलीग्राम, आयरन 0.36 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 20 मिलीग्राम, फास्फोरस 31 मिलीग्राम, पोटेशियम 453, यानी पोटेशियम का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है, क्योंकि 453 यानी 10% DV है इसका, यानी कि एक दिन में 4530 मिलीग्राम की जरूरत होती होगी, यानी 4.53 ग्राम की, उसका 10% इसी से 100 ग्राम तरोई से ही मिल जाता है। सोडियम 21 मिलीग्राम और जिंक 0.13 मिलीग्राम इसमें होता है। तो अधिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि लूफा एजिप्टिका का, यानी जिस तरोई के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका यूज बहुत पुराना है, यानी कि ये बहुत ही पुराने रोमन एम्पायर के समय से इसका यूज होता चला आया है। जो इसके यंग फ्रूट्स होते हैं उसको खाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन जो इसके मैच्योर फ्रूट्स होते थे उसको बाथ स्पॉन्जेस यानी नहाने के स्पॉन्जेस की तरह यूज किया जाता है। और लूफा एजिप्टिया का के जो फ्रूट्स हैं उनको वर डेकोरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आर्ट ऑफ द बाइजेंटाइन इरा इन इसराइल ओनली। इनको इसराइल में सजाने के लिए बाइजेंटाइन इरा में पहली बार सजावट के पर्पस से, यानी आर्ट कला के क्षेत्र में इसका यूज किया गया था। और द फ्रूट्स वर डेकोरेटेड इन मोजैक्स, मोजैक में इनका यूज किया गया ऑफ चर्चेस एंड, मतलब जो जो, जो वहाँ की पूजा स्थली थी, क्रिश्चियंस के लिए चर्चेस थे उनके मोजैक्स में यूज किया गया, और ज्यूश के सिनागॉग्स थे इसराइल में, वहां इनको सजाने के लिए यूज किया गया। सिनागॉग्स जो होते हैं ये यहूदियों के धर्म में उनके मीटिंग पॉइंट होते हैं या उपासना गृह होते हैं, यहीं पे वो अपनी पूजा करते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, क्रिश्चियंस के लिए चर्चेज होते हैं, वैसे ज्यूस के लिए सिनेगॉग्स होते हैं। थैंक यू।